नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर शूट आउट से संबंधित बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन ये जो खबर है वो सोर्सेज के हवाले से है। जय वाजपेयी को पुलिस ने जो देर से गिरफ्तार किया उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। दरअसल जय वाजपेयी डबल गेम कर रहा था, विकास के साथ दगाबाजी कर रहा था। आपको जानकर के ताजुब होगा कि जिस राहुल तिवारी के कंप्लेंट पे ये सारा बखेड़ा हुआ, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उस राहुल तिवारी की FIR पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी। SHO विनय तिवारी हरगिज दर्ज करने को तैयार नहीं था, लेकिन जय वाजपेयी राहुल तिवारी की FIR दर्ज कराने के लिए सिफारिश कर रहा था। चूंकि उसकी ब्यूरोक्रेसी में और सफ़ेद पोस यानी कि नेताओं के बीच में अच्छी पैठ थी, इसलिए उसने ऊपर से ये सिफारिश कराई कि गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हो जाए और जो भी धाराएं लगवानी थी उसने लगवाया। राहुल इस बात का खुलासा कर चुका है कि CO देवेंद्र मिश्रा के कहने पे नहीं ये दबिश हुई थी, बल्कि SSP के कहने पे हुई थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी समेत SSP दिनेश कुमार पी से मिला था। इसका मतलब दिनेश कुमार पी के पास भी कोई सिफारिश कर रहा था और उन्होंने ये निर्देश दिया कि हर हाल में दबिश दे करके उसको अरेस्ट किया जाए। सवाल ये उठता है कि जय वाजपेयी ने ऐसा क्यों किया। जय वाजपेयी ने ऐसा इसलिए किया कि काली कमाई की काली दुनिया में ऐसा ही होता है। जो कहते हैं ना कि जैसे पैसा आता है वैसे ही जाता है। जब आप किसी की लूट करके, किसी को कष्ट पहुँचा करके, किसी को दुख दे करके पैसा बनाओगे, वो जाएगा मार्केट में जय वाजपेयी के थ्रू। तो जय वाजपेयी को विकास दुबे के पैसे पे लालच आ गया था, उसके माध्यम से अरबों रुपए का निवेश किया हुआ था विकास दुबे ने। कुछ उसको ब्याज पे था, कुछ इंडस्ट्री में लगा हुआ था, कुछ डॉक्टर के यहाँ लगा हुआ था, कुछ से सट्टा खेलता था, अलग अलग पैसा अलग अलग उसने डाइवर्ट कर रखा था। उसे जय वाजपेयी को ये लगने लगा कि विकास दुबे पे 65 मामले हैं, आज नहीं तो कल तो इनको जाना ही है रास्ते से, फिर तो सारा राज और सारा पैसा हमारा ही होगा। जैसे ही राहुल तिवारी ने जमीन के झगड़े को लेकर के विकास दुबे से उसका झगड़ा हुआ, विकास दुबे ने उसके साथ मारपीट की, अपहरण किया और वो FIR कराने के लिए पहुंचा, जब उसकी FIR नहीं हुई तो अचानक पर्दे के पीछे से जय वाजपेयी एक्टिव हो गया था। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक उसी ने जो है FIR कराई और बात जो SSP तक पहुंची इसमें भी उसकी भूमिका रही। जब विकास दुबे ने 1 तारीख को, जब उसको पता चला कि FIR हो गई है और पुलिस ऐसे ऐसे एक्शन ले सकती है, 1 तारीख को इस जय वाजपेयी को विकास दुबे ने फोन किया पैसे और असलहे के लिए, तो वो जो है 2 तारीख को 2 लाख रुपए और 25 कारतूस लेकर के आया था और अपना मोबाइल फोन घर छोड़ाया था ताकि उसका लोकेशन ना पता चले। लेकिन उसके साथ जो दूसरा डब्बू गिरफ्तार हुआ है उसने ये राज खोला है कि वो दोनों साथ में गए थे और वो अपना फोन लेकर के गया था। एक तरफ विकास दुबे की मदद कर रहा है, विकास दुबे उससे बता रहा है कि उसके खिलाफ एक्शन होने वाला है, दूसरी तरफ वो कंप्लेनेंट राहुल तिवारी की मदद कर रहा है पर्दे के पीछे से कि FIR हो जाए, या तो ये जेल चले जाए या पुलिस इनको एनकाउंटर में निपटा दे ताकि अरबों के जो प्रॉपर्टी है, जो पूरा साम्राज्य है, उसका मैं मालिक बन जाऊँ। तो ये कर रहा था खेल जय वाजपेयी। जैसे इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना।